आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में बयानों को बोलवाला है, बयान ऐसे जिन पर राजनीति हमेशा चलती रहती है। कभी धार्मिक बयान, कभी वैचारिक बयान, और कभी हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए टिप्पणी वाले बयान, ऐसे बयान जिनका लेना देना कुछ भी नहीं है। पर चूंकि बयान जारी हुए हैं और बयान के बाद उस बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, वो भी हमारे देश की संस्कृति बन चुकी है। खैर, किसी भी संवैधानिक व्यक्ति के लिए इस तरह के बयानों का करना और खास तौर से उसके उपनाम यानी पिता के नाम के साथ इस नामों को जोड़ना या उनसे जुड़ा कोई बयान देना, ये हमारे देश की संस्कृति रही है और ना हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। पर क्या करें, हमारे देश के नेताओं को इन बयानों के अलावा कुछ आता भी नहीं है। जनता के मुद्दे छोड़ सारे इस तरह के बयानों में मसरूफ रहते हैं और शायद उनको लगता है कि जब तक बयान नहीं देंगे तब तक चर्चा में नहीं आएंगे। बयान भी देंगे, चर्चा में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर होगी FIR और फिर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। चर्चाएं जनता के मुद्दे की नहीं, चर्चाएं बयानों की। फिलहाल जो मामला हमारे सामने आया वो मामला है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर विवादित बयान दिया है। विवादित बयान क्या है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को नाम को भूलते हुए उनको नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया और जब उनको याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि भूल गए थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। फिर उन्होंने इसको भी हास्यपद बोलते हुए कहा कि भले ही नाम दामोदर दास मोदी है पर काम उनके नरेंद्र गौतम दास मोदी जैसे हैं, और उनका ठहाका बता रहा था कि उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। खैर, बीजेपी ने इस मुद्दे को लिया और यहाँ पर लखनऊ में बीजेपी MLC मुकेश शर्मा द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई और एक FIR और यहाँ पर दर्ज हुई वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। बयान जरूरी है, आक्रोश जरूरी है, पर इन बयानों की सोच कहाँ से लाते हैं लोग? जनता के मुद्दे छोड़कर हो जाते हैं अपने होश। खैर, मैपुर चर्चा विषय, एक रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी पर टीका टिप्पणी करना आम सी बात हो गई है। राजनीति पार्टियों में तो जैसे ये सब रोजाना ही होता है। कोई किसी पर आरोप लगाता है तो कोई कुछ पलटवार करता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहना चाहिए क्योंकि राजनीति इसी पर टिकी है। लेकिन किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनेताओं से कभी कभी ऐसी उम्मीद करना संभव नहीं हो पाती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता ने ऐसी एक टिप्पणी की है, वो भी देश के प्रधानमंत्री को लेकर। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है जिससे हर कोई बौखलाया हुआ है, और अब वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कि पवन खेड़ा जी का वो बयान जिससे पूरा फसाद खड़ा हुआ है। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं JPC, हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं JPC की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी JPC बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी JPC बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए PM मोदी के पिता पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वो जाने हमारा क्या मतलब, हम स्पष्ट बात करते हैं JPC, हम कह रहे हैं कि संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं कि JPC की मांग से आप क्यों डरते हैं। जब नरसिम्हा राव JPC बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी JPC बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? फिर वो पूछते हैं कि गौतम दास है या दामोदर दास। साथ में बैठे शख्स ने कहा कि दामोदर दास, तो उन्होंने भी दामोदर दास कहा। इसके बाद कुछ देर रुक कर खेड़ा ने कहा कि नाम दामोदर दास है और काम गौतम दास है, और इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे। वैसे भी राजनीति को टाइमिंग का खेल कहा जाता है, किसी मुद्दे को कैसे भुनाना है इसे BJP बखूबी जानती है।
इस वक्त पूर्वोत्तर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। ऐसे में खेड़ा का पीएम मोदी के पिता पर दिया गया बयान कहीं गले की हड्डी न बन जाए। हालांकि खेड़ा अपने बयान पर फिलहाल माफी मांगते नहीं दिख रहे हैं। उनके बयान पर हंगामा मचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा, जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक के एचएमवी साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता को कोई अपमान भी नहीं किया, न हमारे ऐसे संस्कार हैं। अब बात निकली है तो बीजेपी के खेमे में हल्ला बोल तो होना ही था। नागालैंड की भूमि से गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश दिया कि 2024 चुनाव के बाद कांग्रेस दूरबीन पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, नेताओं का स्तर गिरता जा रहा है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी ज्यादा रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। फिलहाल पीएम मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने सोमवार को हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया। बहरहाल पिछले साल राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज होकर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें वो कांग्रेस से नाराज लग रहे थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई है। हालांकि उनके इस ट्वीट के बाद ही उन्हें कांग्रेस ने मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया था। चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी राजनीति में कभी रावण कभी सूपनखा कभी राम और तमाम लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चलती रहती है। फिलहाल इन बयानबाजों की हमारे देश में जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म राजनीति के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा भक्ति के लिए होता है और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कोई बयान देना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होता। चर्चा महत्वपूर्ण है। हमारे मेहमान जो कि रूबरू करा रहे, प्रवक्ता भाजपा से यहाँ पर दिवाकर सिंह अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस से विनोद सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता आपसे तरुणिमा श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला मेरा सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से। विनोद भाई, पवन खेड़ा बयान दे दिए, FIR भी दर्ज हो गई, क्या लगता है ये बयान जानबूझ के दिए जाते हैं या जल्दबाजी में दिए जाते हैं? और अगर जल्दबाजी में दिए जाते हैं तो फिर इस पर हंसी क्यों आती है? क्या देश के संवैधानिक पदों पर बयान देकर उनके पिता के नाम को दूसरे नाम से सम्मोहित कर हंसी करना ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है या ये जुड़ाव है या यही संस्कृति है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अब मैं भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ जो मौजूद हमारे साथी प्रवक्ता हैं भाजपा से, मैं ये जानना चाहूंगा इसमें आपत्तिजनक खेदजनक क्या उन्होंने कहा। अच्छा, अगर उन्होंने सटायर में एक व्यंग में ही मैंने बोला बोल दिया तो ये लोकतांत्रिक देश है। अच्छा। इसमें चर्चा हंसी मजाक भी क्या गुनाह है क्या? ये तानाशाह जैसा रवैया, अच्छा, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, किसी को बोलने की आजादी नहीं होगी अगर कोई मजाक में व्यंग में। अच्छा। अब पता नहीं ये लोग व्यंग से साहित्य से दर्शन से कितना वाकिफ हैं। अच्छा। इनके IQ EQ पे तो आपने देखा इन्होंने निराश किया है चारों तरफ से। अच्छा। तो इस प्रकार से देश में चर्चा का माहौल नहीं हो सकता। अच्छा। और जब तक स्वस्थ चर्चा नहीं हो पाएगी तब तक, और इसको ये स्वीकार नहीं करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, बड़े सहज भाव से नहीं लेंगे। आपको याद है पूर्व के नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, आडवाणी जी रहे हों, खुद व्यंगात्मक कार्टून बनवाते थे, दिखवाते थे, उस पर मीमांसा करते कराते थे। अच्छा। और प्रेरित करते थे ऐसे लोगों को, अगर मैं इसी दृष्टिकोण से जान जाऊं। अच्छा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये तानाशाही लोग हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, सत्ता का दंभ है, इसलिए ये कोई ऐसी आवाज जो कहीं ना कहीं
जो सच्चाई है या जो व्यवहारिक तौर पर होता है सबके साथ, तो उसको सहज स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, उसमें अगर कुछ ऐसा आपत्तिजनक है, अमर्यादित है, तो उसको बताएं, या असंवैधानिक है। अच्छा, अगर असंवैधानिक दिखता है तो उस पर कोई बात चर्चा करें, लेकिन नहीं। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक पद पर रहते हुए, वो चाहे स्लिप ऑफ टंग कितने कर दें, चाहे कितने भी फैब्रिकेटेड फैक्ट्स रख दें जनता के बीच में, जब माइक सामने हो तो क्या बोल दें। 500-800 साल का जो गैप होता है उन दो संत पुरुष को, महापुरुष को एक साथ लाके, इतना हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात कह दे, और उस पर तो कोई चर्चा बात नहीं होगी। अच्छा। लेकिन एक सहज भाव से व्यंग के रूप में, सच्चाई के रूप में, या स्लिप ऑफ टंग के रूप में अगर ऐसी बात हो गई तो उस पर FIR हो जाएगी। ये 21वीं सदी का भारत है। अच्छा। ये युग प्रवर्तक मोदी जी का भारत है। अच्छा। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका भारत वाला नहीं। अच्छा। ये प्रवर्तक है क्या? ये वास्तविक स्थिति है। नहीं, उन्होंने तो वादा किया था। अच्छा, ये ऐसे तो सपने दिखाए थे। नहीं, जो वादा करके भावनात्मक रूप से इनको समर्थन मिला, वोट मिला। अच्छा, मेरा सवाल रहेगा, मेरा सवाल रहेगा, स्मार्ट सिटी बन गई जी, काला धन खत्म हो गया। अच्छा, ये युग प्रवर्तक, स्वयंभू युग प्रवर्तक महापुरुष की ये दशा दिशा है। ठीक है, सवाल है गौरव जी, देखिए इतने वर्षों के बाद जनता ने इनको इनको मौका दिया, सत्ता में रहने का अधिकार दिया। आप जन सरोकार के मुद्दों को लेके कांग्रेस ने जो गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, भारत के भविष्य के प्रति सुनिश्चित करने के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को, आम जन को समर्थन देने के लिए देश से अगर सवाल नहीं करेगा, इनको सवाल से आपत्ति है। अच्छा, ठीक है, ये कांग्रेस के भाव से डर चुके हैं। अच्छा, इसलिए ये कितना भी कर ले, एक नहीं 100 FIR कर ले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, भारत के लोकतांत्रिक की स्प्रिट को मरने नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे बता दीजिए, ये जवान फिसली है या जानबूझ के बोला गया है, या व्यंग है, या एक महत्वपूर्ण चर्चा विषय को JPC की मांग को करते हुए खिलवाड़ है? नहीं, आप स्पष्ट कर दीजिए। ना, आप स्पष्ट कर दीजिए है क्या, क्योंकि आपने तीनों बातें कही, ये व्यंग है या जवान फसली है, या किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाते हुए खिलवाड़ है, या जानबूझ के किया हुआ कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े सजग और निर्भीक पत्रकार हैं, क्या JPC की मांग करना असंवैधानिक है? नहीं, मैं तो कहा ही क्या नहीं। क्या JPC की मांग करना अव्यवहारिक है? बिल्कुल नहीं। क्या JPC की मांग करना कोई ऐसा गुनाह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई? आखिर इनका रिश्ता क्या है? और गौतम, मैं पूछता हूँ दिवाकर भाई से, नाम क्या, उन्होंने गौतम नाम से कोई आपत्ति है? दामोदर नाम से कोई आपत्ति है? अरे उनके चले, पिताजी का नाम है, उनको पिताजी का नाम दामोदर दास है, उसको गौतम बोलना कहाँ की सच, नहीं तो गौतम नाम में आपत्ति क्या है? अच्छा, उन्होंने कोई समस्या है? आखिर FIR जैसा हार्ड स्टेप लेने की आवश्यकता किसी पिताजी के नाम को दामोदर दास से गौतम दास बोला जाएगा? बिल्कुल आपत्ति होगी भाई, ये खेल क्यों नहीं होगी आपत्ति? ये देश को जानने का अधिकार नहीं है? देश के साधन संसाधनों की लूट। अच्छा, जो अपने प्रिय मित्र को दे रहे हैं ये। अच्छा, अगर उस पर ये जवाब नहीं दिया प्रमाणित रूप से, भाई मेरी बात जवाब दीजिए, पूरा विश्व ये जानना चाहता है, मेरी बात का जवाब दीजिए, सिंगल स्टेटमेंट, ये क्या है? व्यंग है, जुबान फिसली है, खिलवाड़ है, ये जानबूझ के किया गया? ये भारत के आम जन के मन में जो सवाल है, जो कौतूहल का विषय है, अच्छा, उसका जवाब लेने की बात है। जवाब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिवाकर सिंह में यही, ठीक है, ठीक है, दिवाकर सिंह जवाब दीजिए भाई, सुन लिया भाई जी, इनके जो वक्तव्य रहे जी, ये अपने वक्तव्य को मुझे नहीं कहना चाहिए, ये अपने वक्तव्य को इनके जब बड़े नेता नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये अपने वक्तव्य को क्लियर करेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात रह गई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के, जबान फिसलना एक आम प्रक्रिया थी जी, ठीक है, उनके सहयोगी ने सुधार किया तब तक भी सामान्य था, ठीक, लेकिन उसके बाद व्यंगात्मक रूप से जो दिखाया जा रहा है जी, और तुलनात्मक रूप से कहा जा रहा है कि नाम बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है जी, अब कौन सा काम, कौन सा नाम ही बदल के कौन सी संस्कृत लाना चाहते हैं? JPC पे, JPC की मांग पहले, पूरा क्यों नहीं, पहले पूरा आप सुनिए, मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, मेरी आदत नहीं है, हमारों की संस्कृत है जी, आप अपनी पूरी बात रखे, जो भी रखना था आप रखे जी, और कृपया कष्ट करके बीच में न बोले, जब आपका समय आएगा तो बताइए। ठीक है, ठीक है, बोलिए। अब आपके बारे में मैं क्या जवाब दूं, मैं तो हमारे बड़े नेता के बारे में जो कांग्रेस के हैं, जिनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि तपस्या में कुछ कमी रह गई तो यह पद दिया गया जी, तो हो सकता है गाली वाली तपस्या बड़ी करके अच्छा, कुछ और बड़ा पद लेना चाहते हूं। अच्छा, तपस्या इनकी यही है।
इनके में कितने लोग गालियां दिए हैं, फिर फिर आप पूरा पूरा आप मुझे ये क्लियर कर दीजिए, या तो आप बोलिए नहीं आप बोल लीजिए तब क्षमता आपकी देख ली, आप एफ आई आर कराते हैं, आप तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बोलिए माहौल देश का खराब करना इन लोगों की फितरत में है जी। ये कोई नई गाली कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जा रही है। अच्छा, इनके पास कोई जब मुद्दा नहीं विपक्ष के पास रहता है तो व्यक्तिगत आक्षेप लगाना है जी। इनकी कार्रवाई में आता है। अच्छा, ये अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ठीक, सरकार पूरे विश्व में, पूरे देश के साथ पूरे विश्व में नाम कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा तो नहीं जी। इनका जो देश में नाम था, हम नहीं कहते हैं सरकार हमारे उच्च स्तरीय नेता के बारे में कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन विदेशों में जो आज है छवि, क्या इसके पहले थी? अच्छा, तो विश्व में अगर नाम बढ़ा है और भारत का नाम बढ़ा है तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और अपने देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी जो हमारे माननीय विश्व के नेता जो बनने की तरफ अग्रसर हैं और बन चुके हैं, सारे विश्व में कोई भी राय ली जाती है तो अब भारत के तरफ विश्व देखता है कि भारत की क्या राय इस मैटर पे है। जब विश्व की कोई बड़ी जब विश्व की कोई बड़ी समस्या होती है जी, तो भारत की तरफ भी देखा जाता है, और विश्व के बड़े नेता भी जी ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री जी का इस पे क्या राय है। अच्छा, क्या सलाह है। अच्छा, जैसे विश्व में सबसे गंभीर मामला चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उस पे भी दोनों पक्ष लोग चाहते हैं कि भारत इसमें मध्यस्थता करे। मध्यस्थता करे, ठीक है। इस तरह के जो इंटरनेशनल चैनलों से हम लोगों को बताया जा रहा है। और जहां तक इनके गाली और तपस्या का शब्द मैंने कहा, जो इनको बता दूं, अरे वो तो उन्होंने मई की बात, मई 2022 ये बता दें, इन्होंने गाली दे करके कोई नया प्रेयर का कोई काम किया है। अच्छा, कि कोई किसी नए तरीके का इन्होंने प्रेयर का इजाद किया है कि इनके हाई कमान को इनके पे नजर पड़े। अच्छा, यहाँ तक नजर तो नहीं पड़ रही थी। अच्छा, नजर नहीं पड़ रही थी, नजर डालने के लिए, नजर डालने के लिए। अच्छा, इस तरह के विवाद हम तो यही कहेंगे, बड़े नेता हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, लेकिन हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, कि जबान फिसली थी, नेता तो हमारी संस्कृति भूल चुके हैं। जी जी जी, नेता हमारी संस्कृति भूल चुके हैं। ठीक है, जबान फिसली थी, ठीक है, ठीक, सारी बातें थी इस पे, इसलिए कुछ नहीं कहना हम लोगों को, क्योंकि बड़े नेता हमारे आजकल जैसी हमारे गृह मंत्री जी का जो इतिहास नहीं हो पाया वो हो रहा है इसमें, मंत्री जी का बयान आ गया है। और आप भाई साहब से कह रहा हूँ कि किसी पे आक्षेप लगाने से पहले जी आप मुद्दे पर आइए, इधर उधर मत जाइए। अच्छा, आंकड़ों पे की राजनीति सही करिए जी, सही आंकड़ों की राजनीति के साथ आप आइए। जेपीसी की मांग करते करते वो भूल बैठे कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है। नितिन सिंह यादव, प्रवक्ता सपा, नितिन भाई बयान आए हैं और मेरे ख्याल से इन बयानों की देश में जरूरत नहीं है, और सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए इस तरह के बयानों की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। जानबूझ कर, व्यंग्य पूर्वक, धोखे से, या जवान फिसल गई, या ये पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट, आपकी राय क्या है? और इस तरह बयानों से निश्चित रूप से पार्टी और देश के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की छवि खराब हुई थी, आपकी क्या राय है? धन्यवाद गौरव जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। जब देश में महंगाई चरम पर हो जी, बेरोजगारी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हो जी, देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हों जी, उस दौर में इस चर्चा को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की ओर से FIR करा करके और माहौल को पूरे देश में इस तरीके से चर्चा का विषय बनाना, मुझे लगता है इससे और कोई महत्वपूर्ण बात हो भी नहीं सकती है। अच्छा, ठीक ठीक। एक पार्टी के प्रवक्ता ने जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बोलते बोलते माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, उनके सरनेम में एक शब्द कुछ टंग आप स्लिप हो गो, ये जानबूझ करके बोला गया हो, लोकतंत्र में सब चलता है जी। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बल्दियत में कोई फर्क आ गया। अच्छा, बिल्कुल सही। और अगर फर्क आया है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इसको फर्क मानती है जी,
तो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी पर कई मुकदमे हो जाने चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के नेता पर FIR हुई है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के जी, और आज भी पार्टी के तथाकथित मुखिया हैं, सांसद हैं जी, बिल्कुल, उनको तो कई बार उनकी बलियत बदली गई। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो हर मंच के भाषण पर राहुल बाबा अच्छा। तो राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते थे, जिसका मतलब कोई बाबा उनकी बलदियत में हो गया, अच्छा सरनेम बाबा हो गया कोई जी। तो पिताजी तो राहुल राजीव गांधी थे, इसकी वजह से राहुल गांधी हुए। अब राहुल बाबा कह रहे थे तो इसका मतलब है कि कोई बाबा हो गया, अच्छा। या कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने आज तक, एक एंकर थी उन्होंने कहा XYZ ओ मोदी, तो कोई नहीं कहने गया कि कोई अवैध पत्नी कैसे मोदी जी की बन गई। उसने अपने पति की जगह, पति के सरनेम की जगह मोदी जी के सरनेम का यूज कर लिया, अच्छा। तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को दौड़ जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री देश के इतने चरित्रवान, जो अपने को बहुत समय तक अविवाहित कहते रहे, बाद में उन्होंने अपने को परित्यागिता बताया कि हमारी पत्नी से हमारा डाइवोर्स है, हमारी पत्नी थी लेकिन लिखा पढ़ी में थी, कभी हमारे साथ नहीं रही, तो आज दूसरी पत्नी कोई महिला इसे मेरे नाम का सरनेम कैसे यूज कर रही है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ देश में गुमराह करने वाली हो सकती है, क्योंकि इस देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से, अच्छा बवाल मचा हुआ है। एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति जो कभी 8 साल पहले 681 नंबर 91 नंबर पे होते थे, वो दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए, जिनकी $8 बिलियन की हैसियत थी वो $140 बिलियन की हो गए, तो निश्चित रूप से सवाल तो बनता है। और अगर इस पे बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि JPC से जांच करा ली जाए, तो इस पे कौन सी लोकतांत्रिक बात है? हमेशा से जब इस तरीके के मामले आते रहे हैं तो जांच, किसी पर आरोप लगे और आरोप लगे तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होने से कोई अपराधी तो नहीं हो जाता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और अगर आपकी पार्टी पर ही आरोप है और अघोषित रूप से सीधे सीधे कहे तो माननीय प्रधानमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने उनको गैर कानूनी तरीके से पैसा कमवाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। कहीं श्रीलंका का कोई व्यक्ति कह देता है कि प्रधानमंत्री जी हमें फोन करके कहा था इंडिया के कि हमको बिजली का ठेका दे दो, कोई इजराइल से मैसेज आ जाता है कि हमको ये पेगासस देने के लिए कहा गया था, बांग्लादेश से बात आ जाए। तो जब इस तरीके से खुले आम मंचों पर, पब्लिक डोमेन पर आरोप लगते रहे हो, तो निश्चित रूप से कि कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी जो सरकार के अंडर में काम करती है उससे संभव नहीं है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी सभी दलों के सांसद होंगे, और वो संयुक्त दलों के सांसद अगर मिल करके एक जांच करेंगे पार्लियामेंट में और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करके उसके आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कोई अनुचित मांग है। अब इस बात को लेकर हंगामा करना मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अनुचित बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो कितने बार क्या क्या नहीं, पूरे देश के तथ्यों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 125 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास की और मकान की चाबी दी है। तो 125 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री पर मुकदमा कर देते कि आपने सामने क्या हम लोगों को भिखारी समझ रखा है, हमारे बाप दादा हमको मकान बना करके दे गए हैं और आपने कैसे कह दिया 125 करोड़ लोगों को मकान की चाबी दी है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की यह हैसियत है कि 125 करोड़ लोगों को मकान की चाबी दे देंगे? तो ये तरीके की बातें अगर होती रही है तो ये उसको हम सामान्य लोग निग्लिजेंस मान लेते हैं, स्लिप ऑफ टंग ही कहेंगे। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक इशू बनाना चाहती है तो निश्चित रूप से एक और मुकदमा कराइए कि कोई महिला क्यों कह देती है अपने सरनेम के आगे मोदी लगा लेती है। अच्छा। और राहुल बाबा को कितने बार उन्होंने राहुल बाबा कहा, राहुल गांधी को, तो कांग्रेस के लोगों को भी एक मुकदमा कराना चाहिए। अच्छा। और एक मुकदमे की परंपरा शुरू हो जाए जिससे कि अब ये गौतम नमोडानी जो है उनके और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इस तरीके की तमाम चीजों पर चर्चा बंद हो जाए, बेरोजगारी की कोई बात न करे कि 8 सालों के बाद 16 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी, देश में बहुत सारा देश को क्या क्या बनाने निकले थे, अच्छे दिन लाने निकले थे, 15 लाख रोजगार देने वाले थे सबके खातों में, तो सब बंद कर दीजिए। सिर्फ मुकदमा खेला जाना चाहिए चुनाव तक, वो भी रहा। ठीक है प्रवक्ता, आप तरुणमा श्रीवास्तव, तरुणमा जी आपकी क्या राय है जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है? मुकदमे दर्ज हुए हैं लखनऊ में, बनारस में, और नितिन भाई कहना है कि ये मुकदमे जरूरत नहीं है, ये तो जबान फिसलती रहती है, और क्या इस मुद्दों को इतना बड़ा करना चाहिए जितना बड़ा किया जा रहा है, कैसे देखते हैं जी? सम्मानित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जी एक महिला का अपमान करता है ओ दीदी करके जी,
ये क्या सम्मानित शब्द है? अच्छा। दूसरा जी, एक सम्मानित परिवार के लिए ये कहते हैं सदन में खड़े होकर जी कि ऐसा क्या डर है जो नेहरू का सरनेम नहीं लगाते, गांधी का लगाते हैं? अब अच्छा। उन्हें यही नहीं मालूम कि किसका सरनेम लगता है, पिता के परिवार का लगता है या नाना के परिवार का लगता है जी। तो झूठ, हर बातों पे झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक सम्मानित पद पे बैठकर ऐसी हरकतें करता है तब तो इनको दिक्कत नहीं होती है। और किसी ने थोड़ा व्यंग कर दिया, और ये लोकतांत्रिक देश है जी। और मुझे मुझे ये पूछना है भाजपा के प्रवक्ता से जी कि हिडन वर्क की रिपोर्ट के बाद भाजपा के जितने भी नेता हैं या कोई भी पदाधिकारी है, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है कि वो अडानी के लिए बात नहीं करना चाहता। अच्छा। अडानी से क्या रिश्ता है उनका? मोदी जी का क्या रिश्ता है अडानी से? अडानी भाई भाई का रिश्ता है या मित्र का रिश्ता है जो उसके लिए ऐसे अड़के खड़े हैं कि सदन से अडानी के फर्जीवाड़ा पर बात नहीं होने दे रहे? आज तो हद ही हो गई जब पार्लियामेंट में 12 सांसदों के लिए रिपोर्ट आ गई कि इनको हटाया जाएगा। बताइए, उस पे केस किया जा रहा है, अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, 12 सांसदों को सदन से निष्कासित करने का आदेश आया है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज ये पूछ रहे हैं कि अडानी पर बात हो, अडानी की फर्जी कंपनी पे बात हो, लेकिन क्यों नहीं होने दे रहे? माननीय संजय सिंह जी हर रोज सदन में ये चिल्लाते हैं कि अडानी पर बात हो, नोटिस दिया 267 का, लेकिन बात नहीं होने दे रहे। अच्छा। ऐसा क्या मित्रता है या भाई भाई का रिश्ता है? मुझे ये भाजपा के प्रवक्ता बता दे क्यों अच्छा। नहीं इन पर बात हो रही? अडानी से क्या रिश्ता है? रिश्ता बता दे बस मुझे, रिश्ता क्या कहलाता है? जी कई बार आप लोग बोल चुके हो, मैं तो कई डिबेटों सुना हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है ठीक है, आमिर साबरी आपकी क्या राय है जिस तरह घटनाक्रम चल रहा है, तमाम घटनाक्रम जी? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, सांस्कारिक राजनीति अब रहने गई। अच्छा। जबानें यूं ही फैसला करती हैं जी, और तमाम तरीके घटनाएं मौजूद हैं। आपको अभी याद होगा, थोड़े दिनों पहले की बात है जी, कि दयाशंकर जी जो आज मंत्री हैं जी, उन्होंने मायावती की जी जी के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया था जी। और अभी आपने अपने भूमिका में भी बताया, मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल गांधी के लिए भी पप्पू शब्द इस्तेमाल करने वाले कोई और नहीं थे, विदेश से नहीं आए थे, ना कोई आसमान से आए थे जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अच्छा। और तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने पप्पू शब्द इस्तेमाल किया जी। इसी तरीके की अभी एक तरुणमा जी बता रही थी, जो हमसे पहले ही बोल गई वो बात के लिए कि ओ दीदी जिस तरीके से कमेंट किए गए बंगाल, पश्चिम बंगाल के चुनाव मंचों से किए गए जी। तो कुल मिलाकर के गौरव जी, सच बात यह है कि राजनीति में अब वो सांस्कारिक राजनीति रही नहीं, अब तो जितना भी आप जहर उगल सकते हैं एक दूसरे के प्रति उगलिए। अच्छा। उतने बड़े नेता बन जाएंगे। अच्छा। और जहां तक नाम बदलने की बात है तो भाजपाइयों को इससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम बदलना तो इनके ब्लड में शामिल है। अच्छा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आज योगी आदित्यनाथ जी, कल अजय सिंह बिष्ट थे लेकिन योगी आदित्यनाथ हो गए। अच्छा। पहले तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया, चलिए उसके बाद उन्होंने तमाम जनपदों का नाम बदले। अभी खबर ये भी रही है कि लखनऊ का नाम बदला जा रहेगा। मैं आज एक एनुअल फंक्शन में था गौरव जी, तो एक गाना बजा, बच्चे बहुत छोटे छोटे मुन्ने बच्चे थे, कक्षा एक के दो के, वो उस गाने पे डांस कर रहे थे कि ये लखनऊ की सरजमी। अच्छा। तो मुझे भी संबोधन का मौका मिला, दो IAS बैठे थे, प्रमुख सचिव थे, एक और लोग थे, तो मैंने उस ये बात कही कि हमने कहा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये इसी साल गाना सुन रहा हूँ, हो सकता है अगली साल ये गाना इस एनुअल फंक्शन में ना सुनने को मिले, और अगली बार अब रफी को तो पैदा कर नहीं सकते हम, तो कम से कम गाने का ही शब्द बदल जाए कि ये लखनऊ, ये लक्ष्मणपुरी की सरजमी, या एक आखे एक शब्द और था कि ये नामे लखनऊ तुझे मेरा आखिरी सलाम। अच्छा। इस तरीके गाना शहर लखनऊ तुझे सलाम, तो मैंने कहा ये नामे लखनऊ तुझे सलाम, तो नाम पे इतना विचलित होना या FIR दर्ज कराना, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है हमारा, इस तरीके की घटनाएं नहीं होना चाहिए के करा दिया। देखिए अब एक बात में और, ये तो आपका मुद्दा था जी, इस पे मैं बहुत ज्यादा, इसलिए कि तमाम नेता इसमें नंगे हो चुके हैं। अच्छा। कोई पवन खेड़ा जी ने आज कोई नई बात नहीं कही है। अच्छा। और उन्होंने इस बात कहने के बाद एक उसका फिर हंसी में भी बात को उड़ा दिया, तो इसका मतलब ये उन्हें बहुत सीरियसली नहीं गई। अच्छा। तमाम भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम बदतमीजियां करते रहे चैनलों पर, और पूरी देश की जनता ने नंगा देखा है, पूरी देश ने देखा। लेकिन मैं अब इस टॉपिक पे बात ना करके थोड़ा सा कल की घटना बात कर लें कि जिस तरीके, रुक जाइए सुन लीजिए, आप बोलिएगा, आपका भी मैं जवाब दूंगा कि कल जो
घटना घटी है विधानसभा में गौरव जी, जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है, अफसोसनाक ही नहीं बहुत शर्मनाक निंदा है कि पत्रकारों को मारा गया। भैया ये किसी का इशारा था, किसी की चाल थी, लेकिन कुल मिलाकर के इससे सरकार तो कलंकित हुई है, ये गौरव जी मानना पड़ेगा। अब पत्रकारों का भी जो हक है, जो उनका चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता पे लगाम लगाई जा रही है गौरव जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। सबसे बड़ी बात है नेताओं को तो छोड़ दीजिए, अब पत्रकार भी टारगेट बनने लगे हैं गौरव जी। आप पत्रकार अगर निर्भीक होकर के अपनी निष्पक्ष बात कहना चाहते हैं तो आप पर भी FIR हो सकती है। मैं तो हर वक्त कसम से 24 घंटे डर रहता हूँ, मैं टीवी पे बोलता हूँ, लिखता भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कब मेरे खिलाफ FIR हो जाए, कब मुझे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मुझे इसके कतई डर इसलिए नहीं है कि तमाम देश में जो आंदोलन करने वाले लोग थे, बड़े नेता थे, वो सब जेलों में डाले गए, और डाले नहीं गए बल्कि उनके बड़ी अजियतें पहुंचाई गई, उनको बहुत तकलीफें दी गई। लेकिन वो सोना जब जल जाता है आग में तभी निखार आता है, हो सकता है अभी हम कुछ ना हो कल हम पे इसके बाद निखार भी आ जाए। और मौत बरक है, ये मेरा ईमान है, मैं बीइंग ए मुस्लिम ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मौत तो आनी है, चाहे जिसके जैसे लिखी होगी वैसे आएगी। लेकिन जेल वेल का थोड़ा मामला ये रहता है कि थोड़ा आदमी दहशत खाता है, लेकिन मुझे उसकी भी दहशत इसलिए नहीं है कि नेता पत्रकार अगर जेल नहीं गया तो वो नेता पत्रकार ही नहीं है, बस है क्या चीज किसी अपराध के तहत ना जाए। ये बुरी बात है, अगर कोई हत्या करके जाता है, चोरी करके जाता है, डकैती करके जाता है, वो गलत है। लेकिन अगर सरकारी आतंक के तहत कोई पत्रकार और नेता जेल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है गौरव जी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। दिवाकर जी, आप कुछ बार बोलना चाह रहे थे, काफी देर से मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय से जी, हम तो समझे कि किसी निष्पक्ष पत्रकारिता के हिसाब से निष्पक्ष नहीं है क्या, तो आपने स्टेटमेंट सुन लिया है। हाँ। और इन्होंने दो एक शब्द जो बदतमीजी शब्द के शब्द से नवाजा हमारे बड़े नेताओं को जी, इसके लिए इनको मैं क्या कहूँ। अच्छा। कम से कम अपनी भाषा भी तो देख लें। मैंने गाली तो नहीं दी दिवाकर जी, मैंने बदतमीजी कहा, आपके नेता तो तमाम गालियां देते रहते हैं मंचों। सुनेंगे, योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित कह दिया था, कोई FIR नहीं हुई, FIR तो इन पर होना चाहिए जी। आप संस्कृत लगा भी बोलना शुरू कर लीजिए, मौका मिलेगा आपको जी। बोलिए, तो इन्होंने जो पहले सपा के प्रवक्ता महोदय से कहूँ, ये जुगलबंदी के हिसाब से चलते हैं जी, ये व्यू नहीं देख रहे हैं। अच्छा। ये जबान फिसलना कर रहे हैं। अच्छा। जबान फिसलना, उसके बाद उनका व्यू का है। अरे आप जिंदा आदमी को कहिए ना, सही बात, जिंदा आदमी को आप कहिए ना जो कहना है जी। हमारे यहाँ तो स्वर्ग में बैठे हुए को आप तमाशा बना रहे हैं जी, जिंदा आदमी को कहिए, सदन है, सदन में चलता है जी, हम लोग भी सदन की कार्रवाई देखते हैं। अच्छा। लेकिन आज पहली बार आप हमारे पुरखों भी सदन में ला दिए जी, सदन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। अरे कम से कम पुरखों के प्रति सम्मान की बात करिए। और सुनिए महोदय, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ उस पर, मैं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप सुना, कल ही प्रधानमंत्री जी ने उसका घर उड़ाया है। सुन लीजिए, इन लोगों की भाषा में आप इस तरीके की भाषा मत बोलिए, हमें आप ये मत सिखाइए जुगलबंदी, जो इनको पहले अपनी भाषा पर कंट्रोल करिए और अपने नेताओं को कंट्रोल कराइए। बाहर हुए हैं, बौखला गए हैं जी, ये लोग सत्ता से बाहर होकर के पुरखों तक को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सत्ता में आके मैदान धो गए हैं, सुन लीजिए, आप सत्ता में आके मैदान धो गए हैं, मजाक सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, इसलिए अभी जनता भूली नहीं है। अच्छा। और आपको जनता फिर कभी जनता को याद है आने की कोशिश मत सोचिए आप लोग। अच्छा। कि जनता आप लोग एकदम नकार चुकी है, नकार चुकी है सपा को, और हाँ आपको नकार चुकी है, आने की कोशिश, जुगलबंदी आपकी फेल हो गई है, कोई भी जुगलबंदी करिए, जनता एकदम सजग है और सजग प्रहरी है, जनता के मालिक मालिक ने बिल्कुल सजग प्रहरी है, देख रही है किस तरीके से भ्रष्टाचार कायम है, सरकार का बैठा उसी विभाग का मंत्री बातों बातों प्लाट लेकर के घूम रहा है, आपके रिजल्ट वही जा रहा है, दिवाकर जी सरकार में बैठा मंत्री अपने विभाग में बातों बातों प्लाट लेकर उसकी जांच मत कराइए, आपके पास जितनी क्षमता है उतना आपने प्रयोग कर लिया, जुगलबंदी की कोशिश में आप लोग है, कोई भी जुगलबंदी कुछ नहीं होने वाला, जुगलबंदी की बात कर रहे हैं। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए आप महोदय से, प्रवक्ता आपकी बैठी हैं, हमारी बहन है, इनसे कह रहा हूँ, सामान्य रूप से सदन में जो भाषा चलती है, भाषण में जो भाषा चलती है वो चलती है, पुरखों का नाम कभी नहीं लिया जी। अरे आप मानिए, हमारे आपके पूर्व मुखिया के
आप लोग नहीं देख पाए ना, आपकी कांग्रेस तो और आते ही यह सरकार पद्म विभूषण से सम्मानित की है, पद्म विभूषण से सम्मानित की है, पुरखों का कितना सम्मान करती है। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है। आपको यह अनुमान होना चाहिए कि हमारे हमारे मुखिया जब तक बैठे हैं, हमारे मुखिया मोदी जी, हमारे मुखिया देश के मोदी जी जब तक बैठे हुए हैं, गरीब के साथ सरकार है, न्याय मिलेगा, किसी जाति की किसी व्यवस्था की बात नहीं होगी, किसी गिरोह की बात नहीं होगी, गिरोह गिरोह बंदी नहीं चलेगी, गिरोह बंदी नहीं चलेगी, गिरोह बंदी नहीं चलेगी। बता रहे हैं आप, हमको बता रहे की व्याख्या नहीं, आप समझ रहे गिरोह क्या इसमें तय है कि हम मालिक हैं, उसके बाद हमारा कौन मालिक होगा, राजतंत्र होगा। देखिए सवाल है, जब एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जी आंकड़ों के तहत आ गई, एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विश्लेषण आ गया, तो उसका प्रमाणिक तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देने के बजाय इस प्रकार से बहस छोड़ के, अनर्थ की बहस छोड़ के, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की सम्मानित जनता बड़ी विवेक पूर्ण फैसला लेती है और इनको बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रही है। अच्छा, इनकी नीतियां तो पहले ही ध्वस्त हो चुकी हैं। अच्छा, इनकी नीयत भी ऐसे गंभीर मुद्दों पर पूरी साफ हो जाती है। अच्छा, तो रही बात, अब इनके बयान इतने विरोधाभासी हैं, जब से ये रिपोर्ट आई है तब से भारतीय जनता पार्टी का क्या मानसिक दिवालियापन और विकार आ गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और देखिए संविधान के देखिए जेपीसी की मांग, संविधान के जेपीसी की मांग को स्वीकार करने के बजाय, गौरव जी, उस पर कोई ठोस प्रमाणिक संवैधानिक जवाब देने के बजाय ये इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, चाहे विधानसभा की कार्रवाई हो, चाहे हमारे सम्मानित मीडिया बंधुओं पर कार्रवाई हो, चाहे लोकसभा के सम्मानित सांसदों पर कार्रवाई करने की, ये सब बता रही है कि किस प्रकार से देश के साधन संसाधनों की बंदरबांट हुई है, जो बैकडोर पॉलिटिक्स चल रही है, राजभवन का दुरुपयोग करके तड़के 4 बजे असंवैधानिक शपथ दिलाई जा रही है, जब जनता ने इनको सीधे चुनाव में नकार दिया, वहां भी सत्ता में भागीदारी करने का ये जो ये पूरा खेल है, इनका मोडस ऑपरेंडी है, जब ये सबके सामने आ गया है। अच्छा, तो ये हताश निराशा इनकी बौखलाहट है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, और लोकतंत्र में ये मूलभूत अधिकार हैं। आप बात नहीं करने देंगे, आप चर्चा नहीं करने देंगे, आप सवाल से इतनी आपत्ति क्यों है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी को आपत्ति है क्या? बिल्कुल आपत्ति नहीं, तो आप बताइए, इतना इस तरीके की FIR, इस तरह का वातावरण, ये संदेश ये देना चाहते हैं गौरव जी, जैसा आप हमारे सम्मानित पत्रकार महोदय ने कहा कि देश में इनसे कोई सवाल ना करे। अच्छा, इनको भोली भाली जनता केवल वोट दे दे। अच्छा, ये सत्ता की मलाई खाएं। अच्छा, ये दिग्भ्रमित करते रहे लोगों को। अच्छा, ये लूट, ये अपने प्रिय मित्रों को कितने गुना बढ़ाते रहे उनकी वेल्थ। अच्छा, लेकिन देश का जो जायज हक है, देश के साधन संसाधनों पर जो आम लोगों का हक है, जो उपेक्षित आदिवासियों का हक है, आम जन का हक है, उसको केवल ये राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। इनसे आप सवाल नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तानाशाही का संदेश देना चाहते हैं। इनके रग रग में, मन मन में ये तानाशाही भरी हुई है। अब मैं वो सब चर्चा में नहीं जाऊंगा, ये अभी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, पुरखों की बात नहीं करनी चाहिए। हर गंभीर मुद्दे पर इनको कोई बचाओ, कोई कोर्ट, अपना अपने आप को सेफ करने के लिए सीधे चले जाते हैं नेहरू जी, सीधे चले जाते हैं इंदिरा जी, सीधे चले जाते हैं राजीव जी। इस पार्टी के ऐसे नेता इतनी विरोधाभासी बात करेंगे, इस तरीके का बात करेंगे जो फंडामेंटली तौर पर भी कहीं टिकती ही नहीं है, तो इनका मानसिक दिवालियापन है। मैं साबरी जी से, हमारे सपा के साथी से, अरुणिमा जी से, मैं तो यही कहूंगा, प्रवक्ता आपकी तरुणिमा जी से, हम लोग ऐसा है कोई साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर लें, थोड़ा थोड़ा हम लोग फंड शेयर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानसिक दिवालियापन विकार दूर करने की व्यवस्था। नहीं, सवाल मजाक का नहीं है, आखिर ये सवालों से इतनी आपत्ति क्यों है? जो मानसिक इलाज इसको करना, उसका तो कर ही नहीं रहे, मानसिक इलाज इसका करना, उसका कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम देश के नेता बौखला गए हैं। मानसिक इलाज इनके नेताओं को जरूरत है, कब कौन क्या गाली दे देगा। अच्छा, गाली माफिया लोग हो गए हैं। अच्छा, गाली माफिया नहीं, गालियां खोज के रहते हैं, खत्म करूंगा, गाली माफिया हो गए। पूरी बात करिए देश में भारत लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो सवाल का अधिकार है, जो जनता की बात है, जन सरोकार के मुद्दे हैं, अगर उससे ये विचलित होंगे तो ये
ये भयंकर विकार है, ये दिवालियापन है, इसके इलाज के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमें जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, गालियां देते रहेंगे, हम इनको उचित कीलों में गालियां देते रहेंगे और जनता उसका जवाब देती रहेगी। दिवाकर भाई को, इनकी पार्टी के लोगों को उचित चिकित्सीय परामर्श के लिए दवा देंगे और आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे इनको एडमिट कराने की। अरे आपने भले हमारा चाहे जितना उसकी हमें अपने इलाज करा लीजिए और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो बोल रहे हैं इनका इलाज करा लीजिए, जनता के सवालों की आप अनदेखी नहीं कर पाएंगे। मानसिक दिवालियापन है, आप लोग क्या बोल जा रहे हैं तो जनता देख रही है और जनता इसका जवाब दे रही है। ऐसे नहीं चलेगा, मंत्री ने कहा था इनसे कांग्रेस को देखना पड़ेगा, है ऐसे नहीं चलेगा, ये तो जनता इसका जवाब देगी और दे रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, अगली बार हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है खोजते हुए नहीं मिलेंगे, किससे भयभीत है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। किसी की कंपनी को बदनाम करिए, शेयर खरीदिए, फिर अपने बढ़िए, उसका इतिहास देखिए, सारी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करने की तैयारी है और कहीं कहीं कुछ नहीं जा रहा है। सारी चीज नियम के साथ है, ठीक है कोई चीज नहीं है। नितिन सिंह आप लोगों के अनर्गल आरोप, नितिन सिंह आरोप कुछ बोल रहे थे, नितिन भाई कोई अलग मुद्दा उठाने के मूड में भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक भी आज तक जांच से सरकार न भागी है, संवैधानिक कानूनी कार्रवाई करेगी। नितिन सिंह यादव बोलना चाह रहे मुस्कुरा रहे, ठीक है ठीक है। नितिन भाई मुस्कुरा रहे, कोई बात जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है जी, क्योंकि वो सरकार के प्रवक्ता है जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, योगी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया और सरकार का जो मंत्री है उसके अपने ही विभाग में उसके अपनी संस्था के 72 प्लाट अच्छा, और 10 सालों से उसको कोई पैसा नहीं जमा है, अच्छा, कोई प्लाट कैंसिल नहीं हुआ है, अच्छा, आखिर इस पर क्या बोलेंगे, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री है तो स्वयंभू जो खुल जा रहा है धोखे से, चलिए G20 शुरू हो गया सम्मेलन, तो चलिए कुछ इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको कुछ जमीन देनी पड़ेगी, तो चलिए प्लांट व्लांट ढूंढिए कहाँ है, तो पता चला धोखे से अधिकारी निकाल करके ले आता है कि एक संस्था के पास इतने, तो पता चलता है तो मंत्री जी के 72 प्लांट निकल गए। अच्छा। तो ऐसे जब सत्ता में नहीं होंगे और जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार इस तरीके से गंगोत्री में उतराएगा जैसे कि कोई पानी में भ्रष्टा करता है तो पानी में उतराता है। तो मैं उससे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या कार्रवाई करना माफिया नहीं बचेगा, सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कोई माफिया कार्रवाई हो रही है, कोई भू माफिया पे कार्रवाई हो रही है, बैठा हुआ है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यह जोगी जी की सरकार है, यह जोगी जी की सरकार है, न्याय मिलता है यहाँ पे, आपके यहाँ गिरोह बंदी नहीं चलती है, चलता है। कुछ बोले थे नितिन यादव, बताइए, अपने मंत्री जी से इस्तीफा कर लेंगे आप? कार्रवाई उचित, आपको पता होना चाहिए उन्नाव में क्या हुआ है, उन्नाव में माननीय विधायक जी को क्या हुआ है, सदस्यता गई, सरकार के विधायक थे। अच्छा। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं चलता है। अच्छा। जो भी कानून के सिकंजे में आएगा, अच्छा, कानून अपना काम करेगी, कानून के काम में सरकार आप जैसे आक्षेप नहीं करती है। फिर अब तक हमारे यहाँ कानून का राज चलता है, जनता जान रहा है कानून का राज है। आज हर बहन बेटियां घूम रही हैं, 12 रात तक अपने सामान की खरीदारी कर रही हैं, अपने आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं, और जोगी जी की सरकार ने व्यवस्था की है, व्यवस्था की है कि साधन है तो पुलिस वाली साधन से पहुंचा रही है। आपको विकास नहीं दिख रहा है, आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा, आज कोई भूखा नहीं मर रहा है, और कहीं यूरिया की नापी नहीं चल रही है, आपको किसानों को बच का मूल्य दे रहा है, आप क्या किसानों के गन्ना के लिए लाठी नहीं चलती है, आप क्या बात करेंगे? सुन लीजिए, बोलिए नितिन भाई, जल्दी बोलिए। दिवाकर जी,
थाने जाने पर दरोगा बेटी के साथ बलात्कार कर दे रहा है। आप कंप्लेंट करने जाती की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, दरोगा आपके थाने में के साथ बलात्कार कर दे रहा है, इससे ज्यादा अंधेर कभी ना हुई है, चलो होगी इसको कहेंगे अंधेर कर नगरी चौपर ला जा। तक फड़ा गया है आपके राज में। ठीक है ठीक है, देखिए भाजपा के प्रवक्ता जी का दिमाग इतना बौखला गया है कि अभी इन्होंने खुद के पूर्वजों का अपमान किया है। ये कह रहे थे हम पूर्वजों का अपमान नहीं करते। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी जो है इस देश में जब प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारा विदेशों में नाम हुआ है। तो ये इसका मतलब इन्होंने जो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना अपमान कर दिया, हमारे यशस्वी लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान कर दिया, जो महान प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के अटल जी के सरकार से भी बेहतर सरकार है, इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए। बेहतर करता रहता आदमी, इसको हम कह रहे हैं हमेशा बेहतर होते हैं। इस वर्ल्ड में कितना नाम है ये आप अपने मुंह से मत बताइए, वो सारे अमेरिकी अखबार अमेरिका के अखबार बताते हैं, विदेशी अखबार बताते हैं, मोदी जी को क्या कहते हैं ये सब जानते हैं। आपको कहां बचेगा, देखिए एक मिसाइलें छोड़ना आपको कहां बचेगा, आपको तो एकदम लग्गो बनना था पिछले, आप अडानी का कोई आपके प्रधानमंत्री जो हम नहीं कहेंगे दिवाकर जी, बिल फारी दिवाकर जी, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अडानी के नाम पे बौखलाइए मत। आप बोलिए, आप अडानी के नाम पे प्रधानमंत्री जी तो बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी बौखलाए हुए हैं। अच्छा। अडानी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा। अडानी के ऊपर सदन में बात होगी तो सांसदों को निष्कासित कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन अडानी पे बात नहीं होगी। अच्छा। ये इस लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। आप बस ये बता दीजिए 38 फर्जी कंपनियां खोलकर अडानी जो फर्जीवाड़ा कर रहा है इस पर सीबीआई कब बैठेगी, ईडी कब बैठेगी? विपक्ष के पीछे तो आप सीबीआई बहुत जल्दी भेज देते हैं, ईडी बहुत जल्दी भेज देते हैं, और साफ सुथरी से भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसपे सीबीआई और ईडी भेजी जाए। एक अभी अपराध बता दीजिए, एक भी 2G घोटाला बता दीजिए, हवा बेची जाती है, पानी बेचा जाता है, सरकार चलती है जनता के लिए चलती है। आप बताइए सच, कोयला बेचा जाता है, आपके ही उत्तर प्रदेश के मंत्री सचान जी पे 72 जमीन अलॉट हुई। हाँ। अरे तो 200 तो हो जाएंगे तब अपराध मानेंगे ना। अच्छा। उस पर इनके अपराध की संख्या 200 है। कहते अच्छा। कि मुझे जबरदस्ती अलॉट कर दी गई है। बताइए इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा मजाक, इनके मंत्री रेप करते फिर रहे हैं, चिन्मयानंद जी रेप में फंसे हैं, तो इनके और ये उनके साथ खड़े होते हैं महिलाओं के। अब कानपुर वाली घटना ले लीजिए, कानपुर देहात वाली घटना में दोनों मार बेटे जैसे इनके ही प्रशासन के लोगों ने आग लगा दिया, बुलडोजर चला दिया। अच्छा, अब ये बताइए, और इनकी वहां के विधायक जो महिला कल्याण में भी हैं, मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं, पहले तो कह रही हाय मेरे परिवार जैसे थे, मेरे होने से भी ऐसी महिलाएं मर गई, कैसे हो गया, मैं विधायक हूँ और मेरे रहते भी ये मेरे विधानसभा में ये क्या हो गया। अब कल का उनका बयान ये है कि ये तो ऐसे मतलब गलती से हो गया। अच्छा, किसी ने जानबूझ नहीं किया। देखिए कितनी जल्दी बात पलट देते हैं। अच्छा, ये दोगले लोग हैं, ये भाजपा लोग, गाली नहीं, गाली नहीं मैडम जी, गाली नहीं, गाली बहन जी, गाली नहीं, जबान सुधारिए। अच्छा, गाली नहीं, ये भाषा में है, आपकी भाषा में है, आपकी भाषा में ये शब्द प्रयोग करना और सबसे बड़ी गाली है ये। अच्छा, जानते हैं यह गाली सबसे बड़ी विश्व की गाली है, क्योंकि आप यहाँ न संस्कृत है न खानदान है, आप क्या जाने इस गाली को क्या कहते हैं। आप अपने मैं मुकदमा आपको कराऊंगा, ये आप गाली दे रही हैं बैठ करके, ये सबसे बड़ी गाली है, सबको मरा रखिए, सबको मरा रखिए,
मर्यादा रखिए, शब्द मर्यादा रखिए, शब्द मर्यादा रखिए, ये गाली नहीं है, गाली है, गौरव जी मुझे सवाल करना है, ठीक है, शब्द मर्यादा, शब्द मर्यादा, शब्द मर्यादा, गौरव जी मुझे सवाल करना है, जनता पार्टी प्रवक्ता, ठीक है, मैं बाहर जी पांजी कर रहा हूँ, गौरव जी मुझे सवाल करना है, भारतीय जनता पार्टी क्या तरीका है आपका, जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, क्या तरीका है आपका, गाली देगी, चलिए ठीक है, गौरव जी मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करना है, बोलिए बोलिए, आपको तमीज होनी चाहिए, गौरव जी मुझे तमीज होनी चाहिए, गालियां देने के महारत हासिल किया, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, हो गया हो गया हो गया, मर्यादा रखिए, मर्यादा नहीं है, ये तो अपने पार्टी है, मर्यादा है, दिवाकर जी बोलिए, दिवाकर जी जी, दिवाकर जी मुझे एक सत आपसे प्रश्न पूछना है, कि संसदीय भाषा में जो अपनी बात से मुकर जाए उसको संसदीय भाषा में क्या कहते हैं, शब्द बताइए मुझे, तो मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में आप कह दें कि मैंने असंसदीय शब्द बोल दिया, तो एक दूसरे शब्द बता दें जो अपनी बात से मुकरता हो बार बार, यह बहुत बड़ी गाली है, आपको न लगती हो तो आप इसको सर्च, अरे दिवाकर जी मैं आपको संसदीय भाषा में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ भाई, गाली है जी, दिवाकर जी मेरे बड़े भाई, आप मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, आप एक शब्द मुझे बताएं कि जो अपनी बात से बार बार करता हो तो उसको क्या कहा जाता है, आप मुझे बताएं तो मैं फिर उसके आगे बोलना शुरू करूं, आप उस शब्द का प्रयोग कर दीजिए, आपके मुंह से शिरोमणि शब्द स्वीकार्य है, आप जितने शिरोमणि शब्द बोल रहे हैं इसके अलावा कोई शब्द आपके पास नहीं है, बात से मुकरना नहीं बात शब्द है, इसके लिए आपके पास गाली के रूप में शब्द है, बात से मुकरना नहीं, एक 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 शब्द शब्द में कहा जाए, आप तो इन्हें अडानी से बात नहीं करनी, इस पर जवाब नहीं देना, मैं तो संसदीय भाषा में बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी कथनी और करनी कभी एक समान नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात को कह करके मुकर जाना इनकी परंपरागत में आता है भाई, इसको लंबा कह सकते हैं, एक शब्द में मुझे नहीं आता है, एक शब्द में अगर उसको यही कहा जाता है, मुझे लगता है आज की जो हमारी बहन ने कहा है वो लोकतांत्रिक शब्द है। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो प्रदेश के लोगों को रोजगार कब मिलेगा, हम लोगों से अच्छा दिन कब आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली देते हैं मुझे देने में आपको क्या इतराज है भाई, दीजिए ना गालियां, चलो ठीक है नहीं आप क्या है तो आपको गाली दी जाएगी, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम लोग पार्टी का पक्ष रखने आए हैं भाई, हमारी आपकी दुश्मनी थोड़ी ना है, आप संबोधन कर सकते हैं, ठीक है जी, हमारे आपके हमारा आपका जगह देना है, ठीक है हो गया हो गया हो गया हो गया, यहाँ हो गया, आप डिबेट को पलटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी अडानी जी के फिर क्यों कर रहे हैं, जांच क्यों नहीं करवाते हैं, भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा उसमें क्या दिक्कत होगी, ये भाजपा की पहचान है, नई भाजपा की दोहरी बात, दोहरा चरित्र, घुमावदार बातें, अच्छा अपने बातों से अपने वायदों से विमुख कर देना, और गौरव जी जैसे निर्भीक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार अगर कोई जन सरोकार का मुद्दा उठाते हैं तो उस पर संतोषजनक प्रमाणिक कोई जवाब ना देते हुए इस तरीके से भावनात्मक माहौल बनाना, गौरव जी भी चूंकि उसी स्कूल से हैं जिस प्रधानमंत्री जी जिसको प्रेरित करते हैं, पोषित करते हैं, अच्छा। तो इनके यहाँ झूठ है बोलब, झूठ है खाब, झूठ है पहनब, झूठ है ओढ़ब, झूठ है राब, तो अच्छा। सर्व झूठ झूठ झूठ, अच्छा। इसीलिए झूठ का जो ढेर इन्होंने लगा के रखा है ढांचागत तरीके से, फंडामेंटल तरीके से, उसका ही कारण है जब इनकी व्यवस्था चरमराई है, आज कोलैप्स की स्थिति है, तो पूरे विश्व ने जो सवाल किया है वो भारत में किस प्रकार का पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, भारत की सरकार किस प्रकार से आम जनता के हक उनके हकूक को किनारे करते हुए अपने चुनिंदा मित्रों के साथ फ्रेंडशिप का गेम खेल रही है, अच्छा। तो इस पर संतोषजनक जवाब देने के बजाय स्वयंभू विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका सीधा संपर्क है ऊपर ब्रह्मांड से, नहीं है ब्रह्मांड से सबसे जानकार, संस्कृति के वाहक, संस्कृति के वाहक सुनिए, संस्कृति के वाहक, संस्कृति के वाहक, सभ्यता के जानकार, सुनिए बोलिए जल्दी बोलिए, सबसे बड़े विद्वान, लेकिन इनके पास अडानी की बात उनके सवाल स्वीकार करने का नैतिक बल भी नहीं है, इनके पास ये नैतिक बल नहीं आएगा, क्योंकि इनके मन में चोर है, ये विरोधाभासी बात करते हैं, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, ये दोहरी बात करने वाले लोग हैं, इनके मन के चक्कर में कौन लोकता नहीं है, इसीलिए सवाल चला, जनता ने नकार दिया,
घोटालों पे। अच्छा, घोटालों के कारण ही जनता ने नकार दिया। अच्छा। और कहीं दूरबीन से खोजते हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है तो जनता ने आपको सवाल का जवाब दीजिए। अरे ये कभी कोई किसी पे चल रही है, जनता खुश है, जनता जनार्दन की सरकार है, हर गरीब का अधिकार, हर गरीब को मकान, हर गरीब का सम्मान है। अमर साबरी बोलेंगे, बोलिए। गौरव जी, हमारे काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एक उन्होंने सवाल दागा था, शायद वो बदल भी गए कि मेरी निष्पक्षता पे उन्होंने सवाल उठाया था। जी, बिल्कुल उठाया था। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़ी कानून व्यवस्था की बातें कर रहे थे बड़ी देर से। गौरव जी, कानपुर की आग ठंडी नहीं हुई थी कि सीतापुर में अभी परसों फिर एक कैंसर पीड़ित की चक्की को उठा दिया गया, बिल्डोजर उठा दिया। अच्छा। दूसरी बात गौरव जी, मैं एक बात बहुत अहम करने जा रहा हूँ कि जितनी तमाम अपार्टमेंट जो बिल्डरों ने बनाए हैं राजधानी के अंदर जी, गौरव जी उनके खिलाफ बुलडोजर भी चल रहा है, सरकार का आतंक, मैं चाबुक तो नहीं कहूंगा, सरकारी आतंक भी है। अच्छा, तो लेकिन उसके बाद भी बिल्डरों के बिल्डिंगें भी तोड़ी जा रही हैं, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाइयां बिल्डरों के खिलाफ हो रही हैं। लेकिन मैं गौरव जी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार ने एलडीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, या इस सरकार ने स्थानीय थानेदारों में जो कुछ टाइम थानेदार थे इनके टाइम में बिल्डिंगें बनी उनके खिलाफ कार्रवाई की? अच्छा। एक मोटी रकम गौरव जी थाने भी जाती है और एलडीए का चपरासी से लेकर के और वीसी तक अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है गौरव जी, बहुत स्पष्ट बात है। और मेरी निष्पक्षता पर, मेरी पत्रकारिता की निष्पक्षता पर सवाल निशान गौरव जी गोडसेवादी लोग उठाएं तो वो अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत निष्पक्ष बात कही, मैंने बहुत निष्पक्ष बात कही। अब ये जहाँ खड्डा होता है वहाँ पानी भरता है, अरे जहाँ खड्डा होता है वहाँ पानी भरता है। ये उसका जवाब दे रहा है, ये विपक्ष की उसकी बात नहीं है। विपक्ष के पैरोकार बैठे हुए हैं, जनता पार्टी विपक्ष के पैरोकार को बैठाया है, विपक्ष के पैरोकार हैं। जनता पार्टी खिलाफ बोले उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाए। अरे भाई गौरव जी, क्या लोकतंत्र का माहौल बना दिया है इस सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने, ये बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी पवन खेड़ा के बयान पर, बखेड़ा तो खैर यहाँ पर हुआ, पर जिस तरह से ये डिबेट चर्चा से अलग तमाम मुद्दों पर चली गई, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए और तमाम तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया। जिस शब्दावली की बात हम इस डिबेट में कर रहे थे कि शब्दावली भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति को परिभाषित नहीं करती, उसी शब्दावली का उपयोग भी इस डिबेट में किया गया। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो ऊपर से व्यवस्था चली आ रही है उसको नीचे वाले भी फॉलो करते नजर आ रहे हैं। अगर वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन करना है तो स्वयं को बदलिए, तभी व्यवस्थाएं बदलेंगी। यहां बात पवन खेड़ा की नहीं, बात नहीं हो रही है, यहां बात किसी और पार्टी के प्रवक्ता की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है भारतीय संस्कृति की और भारतीय लोकतंत्र की, जो अपने आप में शुचिता बना के रखता है। संस्कृति हमारी हमेशा पूजने रही है, वो संस्कृति जिससे हम विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं, वो संस्कृति जिसको हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र पर पहुंचते हैं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं बना है, संस्कृति, शुचिता और व्यवस्थाओं से बना है, ना कि इस तरह के बयानों से। बयानों से पीछे रहिए, धर्म राजनीतिक बयानों से अगर पीछा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रोश भी होगा, जनता का भी और साथ ही साथ नेताओं का भी। अब वास्तव में कुछ संघर्ष करना है तो धरातल पे करिए, और वास्तव में कुछ मुद्दे उठाना तो जनता को उठाइए। जनता के मुद्दे उठाने के लिए होते हैं, वही जनता आपको जनाधार देती नजर आती है। परंपराएं बदलिए और संघर्ष धरातल पे करिए, ना कि धार्मिक बयानबाजी पर, ना कि इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था पर बैठे लोगों पर ऊपर आरोप करने पर। जो जिसका काम है वो उसका काम को करते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार।